नमस्कार मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे से पढ़ते होंगे। आप लोगों को कमेंट बहुत अच्छा लगता है और जब कमेंट करते हैं तो कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद हमें थोड़ा और ऊर्जा मिलता है। थोड़े समय का अभाव हो जाता है इसलिए हम वीडियो अपडेट करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट हमारी वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेंगे। तो आइए आगे तरफ चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो हमने कहा कि अभी तक हमने पुंकेसर को पढ़ चुका है, मतलब पुरुष पुष्प को पढ़ चुका हूँ, स्त्री केसर को स्त्री पुष्प को पढ़ चुका हूँ, ठीक है, मतलब अंडाशय को भी पढ़ चुका और बीजांड को भी पढ़ चुका। तो ध्यान रखेंगे, हमने पुष्प में अंडाशय को पढ़ा और अंडाशय किस में पाया जाता है, स्त्री पुष्प में पाया जाता है, जबकि और हमारा एक तरफ इधर पे क्या था, पुरुष जो पुष्प था अखार उसे क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। तो पुंकेसर में क्या था, पराग के कण थे, क्या कहा गया था उसे, पराग कण। एक में था अंडाशय में अंडकोशिका, क्या था, आपने अभी को पढ़ा अंडकोशिका, और इधर पे क्या है, पराग के कण है। ध्यान रखेंगे, जैसे हमने मनुष्य में जनन की क्रिया को पढ़ा था कि एक मेल एक फीमेल के साथ कॉमन कांटेक्ट होगा, एक दूसरे के साथ मिलेगा, ठीक है, और क्या होगा, उस समय जो पुरुष का शुक्राणु होगा वो महिला के, कह सकते हैं कि जो उसका योनि है, योनि में प्रवेश करेगा और उसकी सहायता से गर्भाशय के पास पहुँचेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, हमने वहाँ भी बताया था कि पुरुष थोड़े लथखोर किस्म के इंसान होते हैं, ठीक है, थोड़ा चमक धमक देखते हैं जिसमें भी, वो थोड़ा उधर की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी पराग के कण, मैंने पुष्प में भी बताया था कि कभी अंडकोशिका किसी पुरुष के इधर पराग कण के पास नहीं जाएगा, हमेशा पराग कण क्या होता है, इधर चल के आता है। क्यों, मैंने अभी बताया कि थोड़ा पुरुष लथखोर होते हैं, वो इधर उधर टहलते रहते हैं, थोड़ा जो अच्छा लगता है उधर देखते हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है, इस तरीके से बोलते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि परागकण पुष्पों में भी क्या होगा, एक स्थान से एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाएंगे, अर्थात पुरुष पुष्प से जो हमारा पुंकेसर है या जो हमारा पुरुष पुष्प है उसकी तरफ से किधर जाएगा, मादा पुष्प की तरफ जाएगा, अर्थात स्त्री केसर की तरफ क्या होगा, जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मादा में ये वाला जो भाग है जिसे हमने क्या कहा था, वर्तिकाग्र कहा था, क्या कहा था, जो पुष्पों में वर्तिकाग्र वाला भाग होता है और ठीक इसी से लगा हुआ अंडाशय होता है, इस तरीके से ये हमारा क्या है, वर्तिकाग्र है, ये हमारा वर्तिका है, क्या है, और ये हमारा क्या है, अंडाशय है। इसी अंडाशय में क्या पाए गए थे, छोटे छोटे अंडकोशिका पाए गए थे, क्या पाए गए थे, अंडकोशिका पाए गए थे। तो मैंने कहा ये पराग के कण पहले कहाँ पहुँचेंगे, वर्तिका पहुँचेंगे। क्यों, क्योंकि जो वर्तिका होती है वो थोड़ा चमकीली किस्म की होती है, वैसे भी अगर थोड़ा क्रीम पाउडर कोई लगा दे तो देखने में थोड़ा सुंदर लगता है, थोड़ा पानी से धो दे तो फिर ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने कहा कि जो वर्तिकाग्र होता है पुष्प का, जो वर्तिका होता है थोड़ा चमकीली किस्म की होती है, तो इसको देख करके जो कीट मकोड़े होते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, थोड़ी सी आकर्षित होती हैं। अब मधुमक्खियों को ये नहीं पता रहता है कि हम पराग किस पुष्प पे बैठे थे, वो मधुमक्खी कभी अगर पुंकेसर पे बैठी थी, मैंने कहा कि अगर 10 पुष्प एक ही स्थान पे है उसको नहीं पता है, हो सकता है कि पुष्प जो मधुमक्खी है उसी पुष्प के पुंकेसर पे बैठा रहा हो और उसी पुष्प के स्त्री केसर में पहुंच गया हो बैठने के लिए, है कि नहीं। मैंने कहा कि आइए इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारा क्या था, ये हमारा वर्तिकाग्र है, स्त्री वाला भाग यहीं से ऐसे लगा हुआ, पुरुष वाला भाग था आपने देखा था ऐसे, इसको हमने क्या कहा था, पुंकेसर का। मैंने कहा कि मधुमक्खी इस पर बैठी थी इस पर, और मधुमक्खी इस पर बैठी थी, बगल वाला चमक रहा था और इसको लगा ससुरा, ये तो मान लीजिए ऐसे पुरुष कैसे रहते हैं, माटी साटी फेंके अपना निकल दिए, हाँ हमेशा थोड़ा बदबूदार महक आती है उनमें से, महक आती है मतलब, हाँ मतलब उसे कहते हैं बदबूदार महक, महक कहो थोड़ा इज्जत करो उनका, हाँ केवल महक करो दिक्कत, बदबूदार महक कहोगे तो अच्छा लगेगा, हाँ। तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया, यहाँ से इन्होंने देखा कि ये वाला तो बड़ा अच्छा चमक रहा है, लेकिन इनको ये जो यहाँ पे कीट थे, कीटों को नहीं पता था कि दरअसल ये पुरुष है और ये क्या है,
स्त्री है, स्त्री वाला भाग है। तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि ये क्या है, हमारा भ्रूणकोश है, इसके अंदर क्या पाएंगे, पराग कण पाएंगे। और इसी परागकण कैसे होते, छोटे छोटे ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। ये क्या कहा, मधुमक्खी बैठी और यहाँ से रस रक्कोशक कर रही थी, पराग के कण उसके कहाँ चिपक गए, ये डिंब में जो ऐसे निकलता है ना, ऐसे रहता ना काटने वाला, उसमें क्या हो गया, पराग के कण चिपक गए। और क्या किया, यहाँ से उड़ा और कहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, क्योंकि ये स्त्री वाला भाग था, यहीं पे पराग कण को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, धीरे से इन्हें पकड़ेगा, बोलेगा तू किधर चल यार, इधर आ जा। यहाँ से ये नलिकाकार संरचना है, याद रखेंगे, यहाँ से पराग के कण कहाँ पहुँचेंगे, अंडाशय में पहुँचेंगे। और अंडाशय में पहले से क्या है, अंडकोशिका है, अंडकोशिका और पराग कणों के बीच में क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। इसी को कहते हैं निषेचन, क्या कहते हैं, इसी को या निषेचन कहें या तो इसी को क्या कहें, पुष्प में हम परागण कहते हैं और जैसे जंतुओं में होता तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। और जब निषेचन हो जाएगा तो धीरे धीरे अब क्या होगा, जो पुष्प था वो फल बनना शुरू कर देगा, क्या बनेगा, फल बनेगा। और धीरे धीरे जो फल में अंड कोशिकाएँ हैं वो अंड कोशिकाएँ अब धीरे धीरे मेच्योर होगी और उसी फल में धीरे धीरे क्या बन जाएगी, बीज का निर्माण हो जाएगा, बिया पड़ जाएगा, फिर उसे हम क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। जब तक इस पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो परागण नहीं होगा, अपने से नहीं, हवा मानी कई माध्यम है, माध्यम कई हवाएं चली, इधर तो झोंका मारे उड़ के चला गया उधर, जो नदी का पेड़ देखा है ना, मैंने बताया था अभी तक, जो नदी के पेड़ में, जो नदी के पेड़ में परागण की क्रिया बताया कि नहीं बताया है, आइए देखिए, नहीं बताया है, आइए देखिए जो नदी के पेड़ में कैसे परागण की क्रिया होती है, ध्यान रखेंगे। जो नदी के पेड़ में बाल लगता है, सर ये क्या बताने जा रहे हो, कोई बात नहीं सुन लो, ये आपका जो नदी का पेड़ है जिसे कहते हैं मक्का, और यहाँ पे क्या लगा है, ऐसे ऐसे पत्तियाँ, इधर भी पत्तियाँ लगी है और इधर भी पत्तियाँ लगी है, एकदम ऊपर वाले भाग पे क्या है, जीरा, क्या है, जीरा में छोटे छोटे ऐसे कुटकी जैसे लटके रहते हैं, देखा है, कभी जाइएगा जो नदी के खेत में से निकलिएगा तो शर्ट पे सब गिर जाते हैं, नहीं गया है जो नदी के खेत में, जाइएगा तो ये ऊपर वाला जो जीरा होता है ना, इसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे लटके रहते हैं। देखिए, या तो बारिश हो या तो हवाएं चलें, दो ही माध्यम है। बारिश होगा ये यहाँ से टूटेंगी, अगर टूट गई, इसी में मेल भी है और इसी में क्या है, फीमेल भी, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन हमें पता है कि इसी जीरे में दोनों हैं, मेल भी है और फीमेल भी है। क्यों, क्योंकि जीरा का पुष्प क्या है, अरे सॉरी, जो नरी का पुष्प यही है, जीरा है। अब मान लीजिए पानी बरसा, पानी बरस गया, नहीं बरसा, कहाँ बरस रहा है, झूरा पड़ा हुआ है, तुम लोग झूठ बोलते हो, बारिश हो गया, ठीक है, झूठ मत बोला करो, सही बोला करो कि बारिश नहीं हुई, होने वाली है। तो मैंने कहा कि इधर क्या हो गया, यहाँ से हवाएं चली, मेल भी टूटा और फीमेल भी टूटा, या पानी बरसी, छपक छपक इस पे पड़ना शुरू हो गया, एक आग दो टूटे और इस पत्ती पे क्या हो गए, आकर के अटक गए, या इधर पत्ती पे अटक गए, कहीं अटक गए। अब ये मेल फीमेल, देखिए जरूरी नहीं दो ही आए, तीन भी टूट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे, मैंने कहा कि जब तक पुंकेसर स्त्री केसर के साथ नहीं जुटेगा तब तक निषेचन नहीं होगा। तो हो सकता है कि इस जीरे में जो छोटे छोटे कण थे, एक मेल था और दूसरा क्या था, फीमेल था। ये पानी के सहारे, क्योंकि पत्ती ऐसे रहती है, पानी के सहारे पत्ती से बहते 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 आकर के कहाँ अटक गई, यहाँ पे अटक गई। अब ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट स्थान हो गया इनका, क्योंकि पत्तियाँ ऐसे ही होती हैं और यहीं पे क्या हो गया, अटक गई। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, क्या होगा भैया, परागण होगा, क्या होगा, परागण होगा, निषेचन होगा, और यहीं से क्या हो जाएगा, एक पुष्प निकल जाएगा, जो नदी का, जिसे क्या कहते हैं, बाल कहते हैं, क्या कहते हैं, जब ये बाल धीरे धीरे मेच्योर हो जाता है तो बाल में क्या पड़ जाते हैं, बीज पड़ जाते हैं, बिया पड़ जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक बाल के लिए। कभी कभी क्या होता है कि पहले बाल जो रहेगा वो बाल मजबूत रहेगा, मतलब उसमें दाने क्या होंगे, अच्छे से पड़े रहेंगे। लेकिन मान लीजिए दो बाल, दो जीरा यहाँ से, एक बार यहाँ भी टूटा, दूसरा वाला टूट करके यहाँ आ गया, इसके बाद ही आया, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी बाल निकल जाएगा, लेकिन ये बाल क्या होगा, कमजोर होगा, अर्थात इसमें
कहीं कहीं बीज दिखाई पड़ेंगे, खिंहा 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 ऐसे दिखाई। तोड़ कर डाल सकते हैं हाथ पे? नहीं तोड़ कर क्या, तुमको कैसे पता कि मेल कौन फीमेल है? अच्छा आपने से नहीं, ये जब मेच्योर होते हैं तभी टूटते हैं, जब मेच्योर होंगे तभी टूटेंगे, याद रखेंगे। हाँ जब मेच्योर होंगे तभी टूटेंगे। वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा था जनन की क्रिया मानव में पढ़ा था कि लगभग 13 से 8, अब क्या है एक नियम आया ना 21 साल लड़का 21 साल लड़की, क्यों कहा गया? क्योंकि 21 साल लड़का 21 साल लड़की का मतलब हो गया एडल्ट अवस्था है, ये मेच्योर अवस्था है। क्यों? अगर उससे पहले जनन की क्रिया होगी तो हो सकता है कि लड़की के हेल्थ पर या बच्चे जो आने वाला बच्चा है उसके हेल्थ पर क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए एक नियम साइंटिफिक एज बनाया गया कि भैया 21 साल तक क्या होगा, 21 साल का लड़का पहले 18-21 साल था, अब 21 साल हो गया है कि 21 साल का लड़का रहेगा तो शादी 21 साल की लड़की होगी, उसके पहले यदि शादी करें तो नाबालिग में आएंगे, अगर आप केस कर देंगे तो मुकदमा होगा, जेल भी जाएंगे। तो ध्यान रखें, कोई बात नहीं। तो हेडिंग डालेंगे परागण, लिखेंगे लिखेंगे परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, देखेंगे फुल स्टॉप। इसमें परागकण एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर तथा उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखें मैंने क्या कहा, एक ही पुष्प हो सकता है, क्योंकि एक ही पुष्प में मैंने बताया था मेल भी होता है और क्या होता है, इधर मेल है अर्थात पुंकेसर है और इधर क्या है, फीमेल है अर्थात क्या है, स्त्री केसर। वर्तिकाग्र वाला भाग है, यहाँ से परागकण कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। तो पुष्प क्या है, एक ही पुष्प हो गया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, मान लीजिए एक पुष्प है जो कि केवल क्या है, स्त्री केसर वाला भाग उसके पास है लेकिन पुंकेसर वाला भाग नहीं है। तो मान लीजिए कि एक पुष्प और है जिसके पास कौन सी भाग है, पुंकेसर वाला भाग है। ठीक है, दो अलग अलग पुष्प हो गए, एक पुष्प ये हो गया और दूसरा पुष्प ये हो गया। याद रखेंगे एक ही जाति के पुष्प होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि गुड़हल और गेंदा के बीच परागण हो जाएगा, ऐसा है नहीं होगा। जैसे निषेचन, आप कहें कि निषेचन की प्रक्रिया कुत्ते और बिल्ली के बीच में हो जाए, संभव है? नहीं है ना, होना चाहिए कुत्ता कुत्ता बिल्ली बिल्ली मानव मानव, है ना। जय हंस कह रहा जी, एक थपरा मारा बहुत कीजिए बाबा। तो हमने कहा कि जैसे समान जातियों के बीच निषेचन मानव में हो रहा था, सेम यहाँ होगा। अगर एक पुष्प गुड़हल है, क्या है, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए,
गुड़हल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक गुड़हल हो गया और दूसरा कनेर का लगा के देख रहे हैं कहाँ यार परागण नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं होगा उस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हो गए, विपरीत हो गए। तो मैंने क्या कहा, परागण परागण के कारण एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक क्या होता है, पहुँचते हैं, समझ में। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना एक ही पुष्प पर या उसी जाति के दूसरे पुष्प पर पहुँचना क्या कहलाता है, परागण की क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण की क्रिया कहलाता। लिखेंगे, परागण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। परागण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग क्या होगा, परागण के प्रकार? नहीं भी डालेंगे तो आपने लिख लिया है कि परागण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे परागण के प्रकार दो प्रकार लिखेंगे। पहला स्वपरागण, पहला लिखेंगे स्वपरागण और दूसरा लिखेंगे पर परागण। ध्यान रखेंगे, स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं, और पर का मतलब दूसरे। तो आइए हेडिंग डालेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। हेडिंग डालेंगे सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण। तो इस दोनों टाइप के परागण को हम कल पढ़ाएंगे आपको। और देखिए, समझने पर जोर दें, रटने पर जोर एकदम मत दें। अभी हर साइंस नहीं है, आप समझने पर जोर दें क्योंकि हमारे समझाने में ही सब कुछ है। रटना होगा तो आप किताब से रट लें, इसलिए आप समझने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ें हम बोलते हैं, अपने कान खोल कर बैठे रहना, काल बर्द कर दोगे तो फिर वही होगा कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुरा, ठीक है। भैंस को कुछ पता ऐसा नहीं, भैंस कान बंद कर दे, उसको समझ ही नहीं आता क्या कर रहा है कोई, ठीक है। तो अपना अपना कान खोल कर बैठें और याद रखें, दुनिया में तुमसे बड़ा कोई ताकत है ही नहीं है। माझी द माउंटेन मूवी देखिएगा, माझी द माउंटेन मूवी में एक बहुत बड़ा चट्टान था जो कि सरकार ने बिहार में थे, वो चट्टान वो पहाड़ सरकार तोड़वाती तो उसको बड़े खर्चे आते थे, तो सरकार बोली हम भैया देखो नहीं करा पाएंगे। लेकिन चट्टान के उस पार दो चार परिवार रहती थे जो शिक्षा से वंचित थे, सरकार उसको नहीं तोड़वाई। तो उसी में मांझी नाम का एक व्यक्ति था, उसकी एक बिटिया थी, वो अपनी बिटिया को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इस पार थे तो उस पार पढ़ने के लिए नहीं जाते, जाते थे तो बड़ा घूम के जाना पड़ता था। अपनी बिटिया को पढ़ाने की उसके उन्होंने ठाना कि हम अपने बेटी को पढ़ाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, छीनी और हथौड़ी लिया और पूरी पहाड़ को ही इस पार से उस पार 2.5 साल 3 साल में ही काट के गिरा दिए और एक रास्ता बहुत चौड़ा बना दिए, जैसे उस गांव की कनेक्टिविटी मेन गांव से हो गई, बच्चे वहां पढ़ने जाते थे, बाजार जाते थे। तो इस दुनिया में मानव से बड़ा कोई ताकत नहीं है, इसलिए भगवान हम जानवर थे लेकिन हमको बुद्धिमान जानवर बना दिए। तो तुम जाओ और पूरी दुनिया पे राज करोगे। अब राज करना है, राज करवाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। राज करने के हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। बाकी हम पढ़ाते रहेंगे, आप लोग आएँ और सिलेबस जल्दी ख़त्म कर देंगे, वादा है, ख़त्म करके तभी कुछ करेंगे। धन्यवाद, चलें।